ओम नमस्ते जी। आइए आज हम रोगों उपचार के दृष्टिकोण से कुछ खास प्राणायाम, उसको हम सहयोगी प्राणायाम या अन्य प्राणायाम के नाम से भी जाने जाते हैं इसको, उसका हम अभ्यास लेकर आए हैं। और नियमित योग कक्षा ग्राम जतपुरी के योग शादिका योग शिक्षिका बहन भगवती जी मेरे साथ है, ये आपको चंद्रभेदी के बारे में बताएंगे। और आइए एक बार हम ओम कलंबा गहरा श्वास भरते छोड़ते समय नाद करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी एक ध्यानात्मक आसन का चयन कर ले, चाहे वो अर्ध पद्मासन हो या पूर्ण पद्मासन हो या सुखासन हो। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखा जाए तो अस्थमा, श्वास रोग, सर्दी जुकाम प्रायः लोगों को हो रहे हैं या उस बीमारी से जूझ रहे लोग, तो आइए उसके लिए करते सूर्य भेदी प्राणायाम। दाएं हमारा सूर्य स्वर चलता है दाएं से, और बाएं से हमारी चंद्र स्वर। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में हम श्वास किससे लेंगे, दाएं नासिका से श्वास भरेंगे और बाएं नासिका को बंद रखेंगे। कैसे बाबूजी, ऐसे करना है ना? तो आइए अब हम सबसे पहले अपने दाएं अंगुष्ठ और तर्जनी को, ऐसे चाहते हो तो आप ये मुद्रा विशेष रख सकते हैं। और सबसे पहले सूर्यभेदी करने के लिए हमको चंद्रनाशिका, मतलब चंद्रभेदी बाएं नासिका में होता है, तो बाएं नासिका को बंद करेंगे और दाएं नासिका से सांस धीरे धीरे भरेंगे। दाएं नासिका से श्वास भरने के बाद यथाशक्ति रुकेंगे, फिर इसको हम बाएं नासिका से छोड़ेंगे। पुनः हम बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से ही श्वास भरेंगे। और बाएं से छोड़ेंगे। भगवती जी आपको करके दिखा रही है, मैं इसके बारे में आपको और डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने बाएं नासिका को बंद करेंगे सूर्यभेदी करने के लिए, और दाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे, इनहेल करेंगे श्वासों को, फिर अपने राइट नोसेस को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, और लेफ्ट नोसेस से एक्सहेल करेंगे। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में हम दाएं नासिका से ही श्वास को भरते हैं और बाएं नासिका से श्वास को छोड़ते हैं, अर्थात दाएं नासिका से हम श्वास धीरे धीरे अंदर भरेंगे और यथाशक्ति रुकना है, और यथाशक्ति रुकने के बाद उस दाएं नासिका को हम क्लोज करके हम लेफ्ट नोजल से एक्सहेल करेंगे, उसको श्वास को छोड़ेंगे। यह अभ्यास हमको 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। रोगों उपचार के दृष्टिकोण से सबसे लाभकारी प्राणायाम है तो वो है सूर्यभेदी प्राणायाम। यदि किसी को बहुत ज्यादा अस्थमा, दमा, सर्दी जुकाम है मेरे भ्राताओं, तो बिल्कुल सूर्यभेदी प्राणायाम को करना चाहिए। जिसका बंद नाक है उसको धीरे धीरे उनको थोड़ा सा बादाम रोगन तेल नाक में डाल दे, या देसी गाय की शुद्ध घी का प्रयोग आप नाक में कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास करने से बहुत ही अच्छा हमारे श्वसन तंत्र मजबूत रहते हैं। तो बिल्कुल आप सभी सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास अपने परिजनों को भी बताइएगा।
अब आइए चलते हैं चंद्रभेदी की ओर। तो चंद्रभेदी प्राणायाम को लेकर आई है हमारी भगवती बहन जी। चंद्रभेदी करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे और अपने दाई नासिका को बंद करें और बाई नासिका से श्वास भरें। बाई नासिका को बंद करके दाई से चंद्रभेदी प्राणायाम एक बार पुनः करके दिखाएगी हमको। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए सबसे पहले दाएं नासिका को अपना बंद करेंगे, क्लोज करेंगे और बाएं से श्वास भरेंगे। बाएं को बंद करके दाएं से श्वास छोड़ेंगे। दाएं को बंद करें तो यह आवृत्ति हमको करना चाहिए। देखिए मेरे योग साधक भाइयों, चंद्रभेदी प्राणायाम वास्तव में चंद्र में शीतलता का गुण पाया जाता है। हम सबको पता है सूर्य में गर्मी अर्थात बहुत ज्यादा एनर्जी का गुण पाया जाता है। तो जिस किसी भाई बहनों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस तनाव में रहता है, क्रोध अवस्था में रहता है, या उनको बहुत ज्यादा उच्च रक्तचाप हो, हाई बीपी हो, उनको धीरे धीरे इस चंद्रभेदी प्राणायाम को करना चाहिए। उससे उसके अंदर बहुत ही शीतलता आता है, जिससे वो स्ट्रेस तनाव से दूर रह सकते हैं। तो आइए आज का यह कार्यक्रम इसी के साथ समापन की ओर चलता है। आप सबको ओम नमस्ते जी। आप सभी घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखे, इसी आशा के साथ आइए हम आज की कार्यक्रम को समापन की ओर लेते हैं।